गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक उसी के आगे चलेंगे। आपको हम पढ़ा रहे थे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में मैंने थोड़ा सा परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु के अंदर क्या चीजें होती हैं उसके बारे में मैंने उस दिन बताया था। जैसे मैंने बताया था कि हल्का से एक बार रिवाइज करेंगे, परमाणु का आकार क्या होता है? वृत्ताकार। परमाणु के अंदर दो भाग होता है, एक नाभिक होता है जो ठोस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के बाहर वाला भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अर्थात डाल्टन ने क्या बताया था, परमाणु अविभाज होता है। लेकिन मॉडर्न में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, माने जब बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो बताया गया परमाणु विभाज होता है। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ाना आपको परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समस्थानिक समभारिक सम इलेक्ट्रॉनिक, इतने पॉइंट आज क्लियर कर देंगे। मैं इसके पहले थोड़ा सा पढ़ाया भी था, आज इसको क्लियर करके फिर आगे चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। क्योंकि एलिमेंट की अर्थात एटम की सभी प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर संपूर्ण प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में ध्यान दें, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समस्थानिक समभारिक सम न्यूट्रॉनिक, ये पॉइंट आज क्लियर कर देंगे। इसके बाद तब चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। जैसे इसके पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23 रखा गया, मींस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 क्यों रखा गया, मास नंबर 23 क्यों रखा गया, कहां से आया? यदि हम एक परमाणु का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या जान जाएं, तो जितने भी परमाणु होते हैं सबका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या हम लोग समझ सकते हैं। अर्थात ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों पर। एक बार और ध्यान सुन लीजिए, देखें मैंने उसके इसके पहले बताया था कि परमाणु क्रमांक है द्रव्यमान संख्या। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब यह हो गया, जब सोडियम के नाभिक को चेक किया गया, सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना था, 11 था। सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 था, इस आधार पर इसका परमाणु क्रमांक 11 रखा गया। अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। इसका मतलब यह होता है ये तीनों सदैव बराबर होते हैं, मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। मींस परमाणु संख्या जान गए, प्रोटॉन संख्या जान गए, इलेक्ट्रॉन संख्या जान गए, ये तीनों सदैव बराबर होते हैं, ये तीनों सदैव बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से। ये किस कंडीशन में होता है, ये तीनों कब बराबर होते हैं, जब परमाणु उदासीन होता है, जब परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या ध्यान दें, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं,
प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आएगा, अर्थात ये दोनों इसके बराबर होते हैं। 23 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12, और दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 23। अर्थात आप समझ सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसे बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, द्रव्यमान संख्या वाला प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, ए से, ए इक्वल टू पी प्लस एन, यही है, ए इक्वल टू पी प्लस एन। एन को कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, एन को कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था, और देखिए जैसे 15 फास्फोरस 3 माइनस, यहां देखिए 15 बराबर n बराबर e बराबर, परमाणु संख्या 15 है, प्रोटॉन क्या होगा, 15 प्रोटॉन, 15 यहां 15 और 3 माइनस है, माइनस रहने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और प्लस रहने पर इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। किसी एटम के ऊपर जितना प्लस माइनस होगा उतना एटम बढ़ जाएगा और प्लस रहेगा घट जाएगा। 15 3 18 माने टा कितना हो गया, 18। परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या कब बराबर होते हैं, जब परमाणु पर कोई आवेश न हो, जब परमाणु पर कोई आवेश न हो तब ये तीनों क्या होते, बराबर होते हैं। लेकिन आवेश होने पर इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, परंतु ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, केवल अंतर इलेक्ट्रॉन में आता है कब, जब परमाणु पर या तो प्लस हो गया या तो माइनस। यही देखिए 15 फास्फोरस 31 देखिए, यहां 15 है तो 15 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 15, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहां चार्ज था इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहां चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर। और इन दोनों का योग होता है 31, अर्थात इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। ध्यान दें द्रव्यमान संख्या क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, इन दोनों का योग ही मास नंबर होता है। अब हम चलेंगे सीरियल से, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समइलेक्ट्रॉनिक। पहला इसमें टॉपिक है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ध्यान से सुने, परमाणु क्रमांक क्या है, दो टाइप का डिफिनेशन है, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यह पहला डिफिनेशन है।
दूसरा डिफिनेशन है किसी भी परमाणु का परमाणुमान द्रव्यमानों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का परमाणुमान द्रव्यमानों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन संख्या घटा देंगे, आ जाएगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से, और न्यूट्रॉन संख्या को स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल एन से। यही है परमाणु क्रमांक। यह रहा परमाणु क्रमांक। दूसरा है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मीन्स द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। इसका फार्मूला होगा द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। प्रोटॉन संख्या को पी से और न्यूट्रॉन संख्या को एन से। यही है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। और आप जानते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई कब? न्यूट्रल कंडीशन में। जेड बराबर पी बराबर ई कब? न्यूट्रल कंडीशन में। जेड इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू ई कब? जेड इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू ई आयनिक फॉर्म, इन आयनिक फॉर्म। न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा, उदासीन रहेगा तो तीनों बराबर होंगे, आयन के रूप में रहेंगे तो द्रव्यमान परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बट नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या परंतु प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर नहीं होगा। कब? जब परमाणु पर प्लस और माइनस रहेगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब परमाणु उदासीन होगा ये तीनों बराबर होंगे। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या कब?
जब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा, परंतु जब परमाणु पर आवेश होगा तो भी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या डज नॉट इक्वल, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर नहीं होगा। यह रहा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। फार्मूला जानते रहेंगे, इसका न्यूमेरिकल लगा लेंगे। थर्ड, थर्ड है न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन संख्या क्या है? किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन संख्या द्रव्यमानों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन संख्या द्रव्यमानों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है न्यूट्रॉन संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से, प्रोटॉन संख्या को पी से। एल इक्वल टू ए माइनस पी या एल इक्वल टू ए माइनस जेड या एल इक्वल टू ए माइनस ई। इट मीन्स हम जानते हैं जेड इक्वल टू पी बराबर ई कब? उदासीन अवस्था में। ये कब होगा? उदासीन अवस्था में ये बराबर होंगे। जेड बराबर पी बराबर ई कब? उदासीन अवस्था में। यह रहा न्यूट्रॉन संख्या। अगला ध्यान दें, फोर्थ, समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक क्या है? जिन समान तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। वे समान परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अर्थात परमाणु वही रहेगा, उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होंगे और परमाणु क्रमांक समान होंगे। जैसे पहला समस्थानिक है 1H1, 1H2 एंड 1H3। ध्यान दें, तीनों में हाइड्रोजन है और तीनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और द्रव्यमान संख्या क्या है? 1, 2, 3। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। ध्यान दें, इसे 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, इनको बोला जाता है ड्यूटीरियम,
प्रोटियम ड्यूटीरियम, इसे बोला जाता है ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम। प्रोटियम माने फर्स्ट, ड्यूटीरियम मीन्स डाई, डाई माने दो, ट्राइटियम मीन्स ट्राई, ट्राई माने तीन, 1 2 3 प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम। इसका दूसरा समस्थानिक है 2HE3 एंड 2HE4। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 3 भी होता है, 4 भी, अर्थात ये क्या है, समस्थानिक। तीसरा एग्जांपल 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर 12, 13, 14, अर्थात 3 एग्जाम्पल हो गया। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37। दिस इज द आइसोटॉप, जिसके परमाणु क्रमांक बराबर हों, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। इनकी विशेषता देखिए कि विशेषता क्या है। पहली विशेषता, इन तत्वों के गुण एक समान होते हैं। पहली विशेषता, इन तत्वों के गुण क्या होते हैं, एक समान। क्यों? तत्व का गुण डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक पर। यदि परमाणु क्रमांक सेम है तो उसके गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात देखिए इसमें तीनों में हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, अर्थात इस आधार पर आप कह सकते हैं इनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। गुण किस पर डिपेंड करता है, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक बदल जाएगा तो परमाणु का गुण क्या होगा, बदल जाएगा। दूसरा क्या है, इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या बदलने पर भौतिक गुण बदल जाता है, रासायनिक गुण वही होता है लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, बदल जाता है। थर्ड, इनमें कुछ परमाणु रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का भाग देने पर यदि वैल्यू 1 आ जाए तो वह रेडियो एक्टिव नहीं होगा। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का भाग देने पर यदि 1.5 से अधिक आए या लेस देन 1.5 से अधिक आए तो या लेस देन 1 आए, ये क्या होगा, रेडियोधर्मी। यह तीन प्रॉपर्टी है, इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और ये रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कब, जब न्यूट्रॉन में प्रोटॉन से डिवाइड करने पर यदि वैल्यू 1.5 से अधिक आए या 1 से कम आए, उस कंडीशन में ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये रहा समस्थानिक। पांचवा पॉइंट है समभारी। आइसोबास समभारी।